पर आ रही है। कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग हुई है। कनाडा के वैंकूवर में फायरिंग की बड़ी घटना हुई है। लॉरेंस बिश्नोई ने घटना की जिम्मेदारी भी ले ली है। लॉरेंस के खास गुर्गे गोल्डी बराड ने इस घटना को अंजाम दिया है। ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं, कनाडा के वैंकूवर में फायरिंग की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरी घटना की इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। कनाडा के वैंकूवर में घर के बाहर ये फायरिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कनाडा में सिंगर के घर के बाहर ये फायरिंग हुई है। पंजाबी सिंगर हैं एपी ढिल्लों और इनके घर के बाहर, इनके आवास के बाहर ये बड़ी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है, जिसमें लॉरेंस के खास गुर्गे गोल्डी बराड, याद कीजिए, इसने कई बड़े घटनाओं को अंजाम दिया है। और एक बार फिर से पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर इसने फायरिंग करवाई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है। सिद्धू मूसेवाला के मौत के मामले में भी गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई का नाम जिस तरीके से आया था, तो एक के बाद एक पंजाबी सिंगर इस गैंग के निशाने पर हैं और एपी ढिल्लों के घर के बाहर ये फायरिंग की गई है। लॉरेंस के खास गुर्गे गोल्डी बराड ने अंजाम दिया है। अमित जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ। अमित, क्या जानकारी मिल रही है, ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस की थ्योरी क्या कह रही है? देखिए, जैसे कि अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि अभी फर्स्ट फॉरवर्ड आ रहा है कि खुद गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर रोहित गोड्रा, उसने एक क्लेम लिया है कि ये फायरिंग उनके द्वारा कराई गई। और एक क्लेम जो सीधे तौर पे कह सकते हैं इसलिए लिया गया है कि एपी ढिल्लों ने अपनी एक वीडियो में सलमान खान को लिया था। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार एक क्लेम करता रहा है। हम कह सकते हैं सलमान खान के ऊपर उन्होंने फायरिंग कराने की बात की, तो उन्हें जान से मारने की धमकी देने की बात की। तो अभी रिसेंटली आप कह सकते हैं कि मुंबई में जब उनके घर पर हमला हुआ तब भी वहां से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आया था। तो वहीं अब कनाडा में जो एपी ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग हुई है उसमें भी जो क्लेम आया है, जैसे हम कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मेंबर क्लेम करता हुआ नजर आ रहा है कि ये फायरिंग इसलिए की गई कि उन्होंने, हम कह सकते हैं, उन्होंने क्लेम किया कि हमने दो जगह फायरिंग की है और ये फायरिंग भी हम कह सकते हैं इसलिए की गई क्योंकि एपी ढिल्लों ने अपने गाने में सलमान खान को लिया है। वहीं इसको लेकर अब हम कह सकते हैं अब कार्रवाई की जाएगी। ऑफकोर्स हर एक कनेक्शन खंगाला जा रहा है, पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्योंकि गैंगस्टर खुद ये क्लेम करता हुआ नजर आ रहा है कि फायरिंग उनकी तरफ से कराई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इसको जोड़ के देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सलमान खान का जो हम कह सकते हैं कनेक्शन, जो हम कह सकते हैं क्लेम का नजर आया, उस पे ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस ज्यादा जांच करती हुई नजर आएगी। और जेल में बैठ के लॉरेंस बिश्नोई क्या, किस तरीके के एसओपी अपना रहा है, क्या किस तरीके से प्रयोग कर रहा है कि गोल्डी बराड को ये निर्देश दिया कि आप फायरिंग वहां पर करवाइए और अपने गुर्गों को कैसे ऑपरेट कर रहा है? अमित, देखिए सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि बिश्नोई गैंग अभी भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। भले ही लॉरेंस बिश्नोई हम कह सकते हैं कि जेल के अंदर बंद है, पर लगातार वहां से देखा जा रहा है कि थ्रू कनेक्शन, चाहे हम गोल्डी बराड के थ्रू बोलते हैं या फिर हम कहें कि गोल्डी बराड के थ्रू उनके गुर्गे। तो सीधे हम बात करें कि अभी जो ये कनाडा में फायरिंग हुई इसका क्लेम हम कह सकते हैं रोहित गोड्रा लेता हुआ नजर आ रहा है, वो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बता रहा है। तो ऑफकोर्स थ्रू हम कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू गोल्डी बराड, गोल्डी बराड से इसके थ्रू, और उसके बाद ये फायरिंग होती हुई इंसिडेंट नजर आ रही है। और सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से फायरिंग, जिस ओपनली अब जो वीडियो आप सर्कुलेट होते हैं देख सकते हैं कि बिना के गेट पे खड़े होकर कंटिन्यूस नॉन स्टॉप फायरिंग की, तो ये कहीं ना कहीं क्या एपी ढिल्लों को पहले भी धमकी मिली थी इसके पहले, इस फायरिंग के पहले एपी ढिल्लों को धमकी मिली थी इस गैंग के तरफ से? नहीं, इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि आज से अच्छे कोई हम कह सकते हैं पहले धमकी नहीं मिली थी। ये रीसेंट जो पूरा इंसिडेंट है ये उनकी जो गाने की वीडियो में, हाँ, जो हम कह सकते हैं सलमान खान को उन्होंने लिया, उससे कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जा रहा है कि ये पूरा एक्शन, इससे पहले हम कह सकते हैं कि कोई हलचल नहीं। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने।